देशद्रोही का वध कर वीर गाथा रचे जाने का स्मरण दिवस आज। बंगाल के प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड में कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्रनाथ बोस तथा नरेंद्र गोस्वामी गिरफ्तार हुए थे। इस कांड में शामिल अन्य लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने नरेंद्र गोस्वामी को अपना जासूस बना लिया। देशद्रोही नरेंद्र ने अन्य कई साथियों के पते ठिकाने बता दिए। इसमें कई ऐसे लोग भी पकड़े गए जो कांड में शामिल नहीं थे। क्रांतिकारी कन्हैयालाल और सत्येंद्र बोस नरेंद्र के विश्वासघात पर आक्रोशित थे। उन्होंने नरेंद्र को सजा देने का निश्चय कर जेल में ही एक पिस्तौल मंगवा ली। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने नरेंद्र गोस्वामी को जेल के सामान्य वार्ड की बजाय एक सुविधाजनक यूरोपीय वार्ड में रखा हुआ था। नरेंद्र के यूरोपीय वार्ड के निकट अस्पताल था। अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए कन्हैयालाल और सत्येंद्र बोस बीमारी और पेट दर्द का बहाना बनाकर एक एक करके अस्पताल पहुंच गए। सत्येंद्र बोस ने जासूस बनने का स्वांग रचा और उन्होंने देशद्रोही नरेंद्र से मिलने की इच्छा जताई। सत्येंद्र बोस के जासूस बनने की बात से नरेंद्र उत्साहित था और 31 अगस्त 1908 को जेल के एक अधिकारी हिंगिस के साथ उनसे मिलने चला गया। सत्येंद्र बोस के संकेत पर नरेंद्र ने हिंगिस को पीछे छोड़ दिया और एकांत वार्ता के लिए आ गया। देशभक्त कन्हैयालाल और सत्येंद्र बोस ने मौका देखते ही देशद्रोही नरेंद्र पर गोली चला दी। अगले ही पल कन्हैयालाल ने भी नरेंद्र पर गोली चला दी। उसके प्राण पखेरु उड़ते ही भारत माँ के इन सपूतों का बदला पूरा हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद सत्येंद्रनाथ बोस और कन्हैयालाल ने आत्मसमर्पण कर दिया और सहर्ष फांसी की सजा स्वीकार कर ली। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।